आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने बेमित्रा पिखरी तालाब पहुंचकर जल सत्याग्रह कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जो भूपेश सरकार वादा किए थे अपने जनघोषणा पत्र में कि हम लोगों को कलेक्टर दर देंगे, और इस तरह से 4 साल बीत गए, अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और हम लोग काली के रूप, दुर्गा के रूप में ढोल ताशे बजाकर और थाली पीट कर भी उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारी मांगे को अब तक अनसुनी कर रही है। इसीलिए आज हम जल सत्याग्रह के रूप में यहाँ सब दीदी लोग के साथ आए हैं। एकदम मजबूर हो गए, पूरा 40 दिन के आंदोलन में हम लोग लगातार कुछ न कुछ अपने अपने माध्यम से, जैसे ढोल बजाना, नंगाड़ा बजाना, थाली पीटना और देवी के रूप में करना, झांसी की रानी के रूप में हम लोग पूरा प्रदर्शन किए, तब भी नहीं सुनी सरकार। तो हम आज जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हुए।